अध्याय 6 कृष्ण विवर। कृष्ण विवर शब्द का उद्गम हाल ही के समय का है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर द्वारा इस शब्द की रचना उस विचार के सजीव वर्णन के लिए सन 1969 में की गई थी, जो कम से कम 200 वर्ष पुराना है, उस समय का जब प्रकाश के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित थे, एक जिसके पक्षधर न्यूटन थे, ये था कि प्रकाश कणों से बना हुआ है, दूसरा ये था कि ये तरंगों से बना हुआ है। हम आज ये जानते हैं कि वास्तव में दोनों ही सिद्धांत सही हैं। क्वांटम यांत्रिकी के कण या तरंग द्वैतता स्वरूप के कारण प्रकाश को तरंग तथा कण दोनों माना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश तरंगों से निर्मित है, ये स्पष्ट नहीं होता कि ये गुरुत्व बल से किस प्रकार प्रभावित होगा, परंतु यदि प्रकाश कणों से निर्मित है तो कोई उन्हें गुरुत्व बल से उसी प्रकार प्रभावित होने की अपेक्षा करेगा जैसे कि तोप के गोले, रॉकेट तथा ग्रह प्रभावित होते हैं। पहले लोग ये सोचते थे कि प्रकाश के कण असीमित तीव्र गति से चलते हैं, परंतु रोमर की इस खोज का कि प्रकाश एक नियत गति से चलता है, ये निष्कर्ष निकला कि गुरुत्व बल का उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। इसी धारणा पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मिशेल ने सन 1783 में लंदन की रॉयल सोसाइटी की वैज्ञानिक शोध पत्रिका में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि एक ऐसे तारे जो पर्याप्त रूप से भारी तथा सघन हो का इतना प्रबल गुरुत्व क्षेत्र होगा कि ये प्रकाश की किरणों को बाहर नहीं निकालने देगा। तारे के पृष्ठतल से उत्सर्जित कोई भी प्रकाश बहुत दूर जाने के पहले तारे के गुरुत्व बल द्वारा वापस खींच लिया जाएगा। मिशेल ने ये सुझाव दिया कि इस प्रकार के तारों की बहुत बड़ी संख्या होने की संभावना हो सकती है, हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकेंगे क्योंकि उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम उनके गुरुत्वाकर्षण को फिर भी अनुभव करेंगे। यही वे पिंड हैं जिन्हें हम अब कृष्ण विवर कहते हैं, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। आकाश में काले शून्य, इसी प्रकार का एक और सुझाव कुछ साल बाद एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक मार्गिस द लाप्लास द्वारा मिशेल से बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से दिया गया था। सबसे रोचक बात यह है कि लाप्लास ने अपनी पुस्तक विश्व की कार्यप्रणाली के केवल पहले और दूसरे संस्करणों में इसे छोड़ दिया। शायद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि ये विचार बड़ा अटपटा है। असल में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत में प्रकाश को तोप के गोलों की तरह मानना ठीक नहीं है। इस संबंध में एक उपयुक्त सिद्धांत उस समय तक सामने नहीं आया जब तक कि सन 1915 में आइंस्टाइन ने सामान्य आपेक्षिकता को प्रस्तावित नहीं कर दिया। इससे पहले कि महाकाय स्थूल तारों के लिए इस सिद्धांत का निहितार्थ समझा जाता, काफी समय बीत गया। ये समझने के लिए कि एक कृष्ण विवर किस प्रकार निर्मित होता होगा, हमें सर्वप्रथम तारे के जीवन चक्र को समझने की जरूरत है। कोई भी तारा उस समय अस्तित्व में आता है जब गैस के एक अत्यंत विशाल परिमाण का अपने गुरुत्व के कारण अपने ऊपर ही निपात होना प्रारंभ हो जाता है। जो गैस का ये विशाल परिमाण संकुचित होता जाता है, गैस के परमाणु अधिक से अधिक तीव्रता से निरंतर बढ़ते हुए वेग के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। गैस का ताप बढ़ जाता है, अंत में गैस का ताप इतना अधिक हो जाएगा कि जब हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से टकराएंगे तो वे टकरा कर उछलेंगे नहीं, बल्कि हीलियम का निर्माण करने के लिए संयुक्त रूप से जुड़कर एक हो जाएंगे। यह अभिक्रिया जो एक नियंत्रित हाइड्रोजन बम विस्फोट के समान है, ऊष्मा को मुक्त करती है जिससे तारा चमकने लगता है। ये अतिरिक्त ऊष्मा भी गैस के दाब को उस समय तक बढ़ाती जाती है जब तक कि ये गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त न हो तथा गैस का संकुचन बंद न हो जाए। ये कुछ कुछ गुब्बारे के समान है। अंदर वायु के दाब व बाहर रबड़ के पृष्ठतल के तनाव के बीच एक संतुलन होता है।
अंदर वायु का दाब गुब्बारे को फुलाने का प्रयत्न कर रहा होता है तथा रबड़ के पृष्ठ तल का तनाव गुब्बारे को छोटा करने का नाभिकीय अभिक्रियाओं से निकली ऊष्मा तारे के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करती रहेगी और तारा इस प्रकार से लंबे समय तक स्थायी बना रहेगा। आखिर में तारे की हाइड्रोजन गैस तथा उसका दूसरा नाभिकीय ईंधन समाप्त हो जाएगा। ये भी एक विरोधाभास है कि जितने अधिक ईंधन के साथ कोई तारा शुरू होता है उतनी ही जल्दी वह समाप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना अधिक विशालकाय व स्थूल कोई तारा होता है उसके गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और इसका ताप जितना अधिक होगा ये अपने ईंधन की उतनी ही तेजी से खपत करके समाप्त कर लेगा। हमारे सूर्य के पास शायद अगले 5 अरब सालों के लिए पर्याप्त ईंधन है, परंतु अपेक्षाकृत अधिक विशालकाय तारे अपने ईंधन को मात्र 10 करोड़ वर्षों के छोटे समय में ही समाप्त कर सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड की आयु से भी काफी कम है। जब किसी तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और इसी कारण संकुचित होने लगता है। इसके बाद इसका क्या होता होगा ये बात केवल 1920 के दशक के अंत में ही सबसे पहले समझी गई। सन 1928 में एक भारतीय स्नातक छात्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सामा ने अपेक्षित सिद्धांत के विशेषज्ञ एक ब्रिटिश खगोलविद सर आर्थर एडिंगटन के पास कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। भारत से अपनी समुद्री यात्रा के दौरान चंद्रशेखर ने ये हिसाब लगाया कि कोई तारा अपना पूरा ईंधन खत्म करने के बावजूद अपने गुरुत्व के विरुद्ध स्वयं को संभाल सके, इसके लिए उसे कितना बड़ा होना चाहिए। विचार ये था, जब कोई तारा छोटा हो जाता है तो पदार्थ कण एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं और इसलिए पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार उनके वेग निश्चित रूप से बहुत भिन्न होने चाहिए। कणों के वेगों की ये भिन्नता उन्हें एक दूसरे से दूर भगाती रहती है और इसलिए उनकी प्रवृत्ति तारे का विस्तार करने की हो जाती है। कोई तारा इसी कारणवश अपने गुरुत्वाकर्षण और अपवर्जन सिद्धांत से उत्पन्न प्रतिकर्षण के मध्य एक संतुलन द्वारा स्वयं को एक स्थिर त्रिज्या पर ठीक उसी प्रकार बनाए रखता है जिस प्रकार इसके जीवन चक्र के प्रारंभ में गुरुत्व बल को ऊष्मा द्वारा संतुलित किया गया था। बहरहाल चंद्रशेखर ने ये बात स्पष्ट रूप से समझ ली थी कि अपवर्जन सिद्धांत द्वारा प्रदत्त प्रतिकर्षण की भी एक सीमा है। अपेक्षिता का सिद्धांत प्रकाश की गति के अंतर्गत ही तारे में पदार्थ कणों के वेगों के अधिकतम अंतर को सीमित कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तारा पर्याप्त रूप से सघन हो जाता है तो अपवर्जन सिद्धांत से प्रेरित प्रतिकर्षण गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा कम होगा। चंद्रशेखर ने ये गणना की कि हमारे सूर्य से लगभग 1.5 गुना अधिक द्रव्यमान का कोई अतप्त तारा अपने ही गुरुत्व बल के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल सकेगा। ऐसी ही खोज लगभग इसी समय एक रूसी वैज्ञानिक लेव डेविडोविच लेंदाउ ने की थी। महाकाय तारों की अंतिम नियति के लिए इसके गंभीर अर्थ थे। यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है तो आखिर में ये सिकुड़ना बंद कर सकता है और अपनी संभावित अंतिम स्थिति के रूप में एक श्वेत वावन के रूप में स्थिरता प्राप्त कर सकता है जिसकी त्रिज्या केवल कुछ हजार मीलों की होगी तथा घनत्व सैकड़ों टन प्रति घन इंच होगा। श्वेत वामन तारे को अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार इसके पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण द्वारा अवलंबन दिया जाता है। हम ऐसे बहुत सारे श्वेत वामन तारों का प्रेक्षण करते हैं। सबसे पहले खोजे गए ऐसे तारों में एक वह तारा है जो रात्रि आकाश के सबसे चमकदार तारे व्याघ की परिक्रमा कर रहा है। लेंदाउ ने यह स्पष्ट किया कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1 या 2 गुना अधिक द्रव्यमान वाले परंतु श्वेत वामन से भी काफी छोटे तारे के लिए एक और संभावित अंतिम स्थिति है। ये तारे अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार
बजाय इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण से अवलंब प्राप्त करेंगे, इसलिए इन्हें न्यूट्रॉन तारे कहा गया। इन तारों की त्रिज्या मात्र लगभग 10 मील के आसपास होगी और घनत्व प्रति घन इंच दसियों करोड़ टन होगा। जिस समय उनकी सबसे अधिक भविष्यवाणी की गई थी, उस समय ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि न्यूट्रॉन तारों का प्रेक्षण किया जा सकता। वास्तव में काफी समय बाद तक उनका पता नहीं लगाया जा सका था। दूसरी ओर चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले तारों के सामने उस समय बड़ी समस्या होती है जब उनका ईंधन समाप्ति पर होता है। कुछ मामलों में उनमें विस्फोट हो सकता है या चंद्रशेखर सीमा से नीचे अपना द्रव्यमान कम करने के लिए वे अपना पर्याप्त पदार्थ बाहर फेंक देते हैं और इस प्रकार से अपने गुरुत्व बल के दाब के कारण संभावित निपात की दुर्घटना से बच जाते हैं। परंतु ये विश्वास करना काफी कठिन था, चाहे तारा कितना भी बड़ा क्यों न हो। फिर भी क्या ऐसा सदैव घटित होता है कि तारे को ये कैसे मालूम होगा कि उसे अपना वजन घटाना है? और यदि हर तारा ध्वंस से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पदार्थ कम करने में सफल भी हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि आप किसी श्वेत वामन में या न्यूट्रॉन तारे में चंद्रशेखर सीमा को अधिक करने के लिए और अधिक पदार्थ जोड़ दें, क्या वह ध्वस्त होकर असीमित घनत्व की स्थिति में पहुंच जाएगा? एडिंगटन इस निहितार्थ से स्तब्ध रह गए थे और उन्होंने चंद्रशेखर के निष्कर्षों पर विश्वास नहीं किया। एडिंगटन का विचार था कि ये किसी भी प्रकार संभव नहीं है कि कोई तारा ध्वस्त होकर एक बिंदु तक सीमित हो जाए। अधिकांश वैज्ञानिकों का भी यही विचार था। आइंस्टाइन ने स्वयं एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि तारे शून्य आकार तक नहीं सिकुड़ सकते। दूसरे वैज्ञानिकों के प्रबल विरोध ने विशेष रूप से उनके पूर्व अध्यापक तथा तारों की संरचना पर अग्रणी प्रमाणित जानकारी रखने वाले एडिंगटन ने चंद्रशेखर को इस कार्य क्षेत्र को छोड़ने के लिए और इसके बजाय तारा गुच्छों की गति जैसी खगोल विज्ञान की दूसरी समस्याओं की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए सहमत किया। बहरहाल सन 1983 में जब चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये कुछ हद तक अतप्त तारों के सीमांत द्रव्यमान पर उनके प्रारंभिक कार्य के लिए भी था। चंद्रशेखर ने ये प्रमाणित किया था कि अपवर्जन सिद्धांत चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले किसी तारे के निपात होने से नहीं रोक सकता, परंतु सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार ऐसे किसी तारे का क्या होगा? ये समझने की समस्या सबसे पहले एक युवा अमेरिकी रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा सन 1939 में सुलझाई गई। उनके निष्कर्षों ने हालांकि ये सुझाया कि ऐसे कोई प्रेरणात्मक परिणाम नहीं होंगे जिनका उस समय की दूरबीनों द्वारा पता लगाया जा सके। फिर बीच में द्वितीय विश्व युद्ध आ गया तथा ओपेनहाइमर स्वयं परमाणु बम परियोजना में निकटता से जुड़ गए। युद्ध के बाद गुरुत्वीय निपात को ज्यादातर भुला दिया गया, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिक इस समस्या में उलझ गए कि परमाणु और उसके नाभिक के स्तर पर क्या घटित होता है। फिर भी सन 1960 के दशक में आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा खगोलीय प्रेक्षणों की संख्या और सीमा क्षेत्र में लाई गई वृद्धि से खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान की बड़े स्तर की समस्याओं में अभिरुचि पुनः जागृत हुई। तब कई सारे लोगों ने ओपेनहाइमर के कार्य को फिर से खोजा और उसे आगे बढ़ाया। ओपेनहाइमर के शोध कार्य से अब जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है वह इस प्रकार है। तारे का गुरुत्व क्षेत्र दिक् काल में प्रकाश किरणों के उस पथ में परिवर्तन कर देता है जिस पर प्रकाश किरणें उस तारे के मौजूद न होने की स्थिति में चलती। प्रकाश शंकु जो दिक् और काल में अपने छोरों से उत्सर्जित प्रकाश की एक दमक से मार्ग का संकेत करते हैं, तारे के पृष्ठ तल के निकट थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ये तथ्य सूर्य ग्रहण के दौरान प्रेक्षित दूरस्थ तारों के प्रकाश के मुड़ने में देखा जा सकता है। जो तारा संकुचित होता जाता है,
इसके पृष्ठ तल पर गुरुत्व क्षेत्र और दृढ़ होता जाता है तथा प्रकाश शंकु और अंदर की ओर झुकते जाते हैं। ये तारे से उत्सर्जित प्रकाश का बाहर निकलना और कठिन कर देता है तथा दूरी पर किसी प्रेक्षक को ये प्रकाश और धुंधला तथा अधिक लाल दिखाई पड़ता है। अंततः जब तारा किसी निश्चित क्रांतिक त्रिज्या तक सिकुड़ चुका होता है तो इसके पृष्ठ तल पर गुरुत्व क्षेत्र अत्यंत सबल हो जाता है तथा प्रकाश शंकु अंदर की ओर इतने अधिक झुक जाते हैं कि प्रकाश बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। आपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। इस प्रकार यदि प्रकाश बाहर निकल कर नहीं आ सकता तो कोई अन्य वस्तु भी बाहर नहीं निकल सकती। हर वस्तु गुरुत्व क्षेत्र द्वारा वापस खींच ली जाती है। इस प्रकार हमारे पास घटनाओं का एक समुच्चय होता है, दिक् काल का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें से किसी दूरस्थ प्रेक्षक के पास पहुंचने के लिए किसी भी वस्तु की कोई संभावना नहीं होती है। यही वह क्षेत्र है जिसे अब हम कृष्ण विवर कहते हैं। इसकी परिसीमा घटना क्षितिज कहलाती है तथा ये उन प्रकाश किरणों के पथ के साथ समाप्त करती है जो कृष्ण विवर में से बाहर निकलने में असमर्थ रहती हैं। चित्र 6.1। ये समझने के लिए कि यदि आप एक कृष्ण विवर का निर्माण करने के लिए किसी तारे को ध्वस्त होते हुए देख रहे हो, उस स्थिति में आप क्या देखेंगे? आपको ये याद रखना है कि आपेक्षिता सिद्धांत में कोई परम काल नहीं होता। हर प्रेक्षक का काल का अपना माप होता है। तारे के गुरुत्व क्षेत्र के कारण तारे पर मौजूद किसी व्यक्ति के लिए काल उस व्यक्ति के काल से भिन्न होगा जो कुछ दूरी पर है। मान लीजिए किसी निर्भीक अंतरिक्ष यात्री ने अंदर की ओर ध्वस्त होते हुए किसी तारे के पृष्ठ तल से तारे की परिक्रमा करते हुए अपने अंतरिक्ष यान को अपनी घड़ी के अनुसार प्रति सेकंड एक संकेत भेजा। उसकी घड़ी के अनुसार किसी समय मान लीजिए 11 बजे तारा क्रांतिक त्रिज्या से नीचे सिकुड़ जाएगा, जिस पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर उसके संकेत भी अंतरिक्ष यान तक नहीं पहुंचेंगे। ज्यों-ज्यों 11 बजे का समय निकट आएगा, अंतरिक्ष यान से पर्यवेक्षण कर रहे उसके साथियों के लिए अंतरिक्ष यात्री से प्राप्त हो रहे उत्तरोत्तर संकेतों के बीच का अंतर भी पूर्वापेक्षा बढ़ता जाएगा। परंतु 10:59 से पहले ये प्रभाव बहुत कम होगा। अंतरिक्ष यात्री द्वारा 10:59 पर भेजे गए संकेत तथा उस संकेत के बीच जो अंतरिक्ष यात्री ने उस समय भेजे जब उसकी घड़ी ने 10:59 बजाए, उन्हें एक सेकंड से कुछ ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी। परंतु ठीक 11 बजे भेजे गए संकेत के लिए उन्हें सदैव प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्री की घड़ी के अनुसार 10:59 तथा 11 बजे के बीच तारे के पृष्ठ तल में उत्सर्जित प्रकाश तरंगे अंतरिक्ष यान से देखने पर अनंत काल अवधि तक फैल जाएंगी। अंतरिक्ष यान पर उत्तरोत्तर तरंगों के आगमन के बीच काल का मध्यांतर निरंतर बढ़ता जाएगा। इसलिए तारे का प्रकाश लाल से और अधिक लाल और धुंधले से और अधिक धुंधला दिखाई देगा। अंततः तारा इतना धुंधला हो जाएगा कि इसे फिर अंतरिक्ष यान से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकेगा। जो कुछ शेष बचेगा वह अंतरिक्ष में मात्र एक कृष्ण विवर होगा। हालांकि तारा अंतरिक्ष यान पर वही गुरुत्व बल लगाता रहेगा तथा यान कृष्ण विवर की परिक्रमा करता रहेगा, फिर भी निम्नलिखित समस्या के कारण वह दृश्य पूरी तरह यथार्थवादी नहीं है। आप तारे से जितनी अधिक दूर हैं, गुरुत्व बल उतना ही कमजोर होता जाता है। इसलिए हमारे साहसी अंतरिक्ष यात्री के सिर की अपेक्षा उसके पैरों पर गुरुत्व बल हमेशा ही ज्यादा होगा। इससे पहले कि तारा सिकुड़कर क्रांतिक त्रिज्या पर आ जाए, जिस पर घटना क्षितिज बना बलों का ये अंतर या तो हमारे अंतरिक्ष यात्री को खींचकर लंबा बना देगा या उसको फाड़ डालेगा। तथापि हम ये विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड में मंदाकिनियों के
केंद्रस्थ क्षेत्रों के समान और भी काफी बड़े पिंड हैं, जो कृष्ण विवर की उत्पत्ति के लिए गुरुत्वीय निपात की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। इनमें से किसी एक पर कृष्ण विवर के बनने से पहले अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल के द्वारा फाड़ नहीं डाला जाएगा। वस्तुतः जैसे ही क्रांतिक ऋज्या की स्थिति तक पहुंचेगा, वह कुछ भी विशेष अनुभव नहीं करेगा और कभी भी न लौटने की स्थिति से उस पर ध्यान दिए बिना गुजर सकता है। फिर भी कुछ घंटों में ही जैसे जैसे वह क्षेत्र ध्वस्त होता जाएगा, उसके सिर और पैरों पर गुरुत्व बलों का अंतर इतना अधिक प्रबल हो जाएगा कि वह उसे फाड़ डालेगा। सन 1965 से 1970 के दौरान रोजर पेनरोज और मेरे शोध कार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि निश्चित रूप से सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कृष्ण विवर के अंदर ही दिक् काल की अनंत वक्रता तथा अनंत घनत्व वाले विलक्षणता बिंदु को होना चाहिए। ये काल की उत्पत्ति के क्षण पर हुए उस महाविस्फोट के कुछ कुछ समान है। बस ध्वस्त होते हुए पिंड तथा मात्र उस अंतरिक्ष यात्री के लिए ये काल का अंत होगा। इस विलक्षणता की स्थिति पर विज्ञान के नियम विफल हो जाएंगे और भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की हमारी योग्यता समाप्त हो जाएगी। बहरहाल कोई भी प्रेक्षक जो कृष्ण विवर से बाहर रहा हो, पूर्वानुमेयता की इस असफलता से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि न तो प्रकाश और न कोई अन्य संकेत उस विलक्षणता बिंदु से उसके पास तक पहुंच सकता है। इस विलक्षण तथ्य ने रोजर पेनरोज को ब्रह्मांडीय अवरोधन पराकल्पना प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईश्वर को सिंगुलैरिटी के नग्न रूप में घृणा है। दूसरे शब्दों में गुरुत्वीय निपात द्वारा उत्पन्न विलक्षणता की स्थिति केवल कृष्ण विवरों जैसे स्थानों में ही घटित होती है, जहां घटना क्षितिज उसे इस तरह छुपाए रहता है कि बाहर से कोई भी देख ना पाए। सही तौर पर यही वह अवधारणा है जिसे दुर्बल ब्रह्मांडीय अवरोधन पराकल्पना के रूप में जाना जाता है। ये कृष्ण विवर से बाहर रहने वाले प्रेक्षकों को तो विलक्षणता बिंदु या सिंगुलैरिटी पर घटित होने वाली पूर्वानुमेयता के भंग होने के निष्कर्षों से बचाती है, परंतु उस बेचारे अंतरिक्ष यात्री के लिए कुछ भी नहीं करती जो कृष्ण विवर में गिर जाता है। सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत के समीकरणों के कुछ ऐसे समाधान हैं जिनमें हमारे अंतरिक्ष यात्री के लिए सिंगुलैरिटी के नग्न रूप को देखना संभव है। वह सिंगुलैरिटी से टकराने से बचने में समर्थ हो सकता है तथा उसके बजाय एक कृमि छिच्छर से होकर गिर सकता है और ब्रह्मांड के एक दूसरे क्षेत्र में निकल कर आ सकता है। वह दिक् और काल में यात्रा की बड़ी संभावनाएं प्रस्तुत करेगा, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि ये समाधान अत्यंत ही अस्थाई हो सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उपस्थिति जैसी अल्पतम बाधा इन्हें परिवर्तित कर सकती है, जिससे कि अंतरिक्ष यात्री सिंगुलैरिटी को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह उससे टकरा न जाए और उसके काल का अंत न हो जाए। दूसरे शब्दों में सिंगुलैरिटी सदैव उसके भविष्य में निहित होगी, उसके अतीत में कभी नहीं। ब्रह्मांडीय अवरोधन प्रकल्पना की प्रभावी व्याख्या ये व्यक्त करती है कि एक यथार्थवादी समाधान में सिंगुलैरिटी या तो पूर्णतः भविष्य में निहित होगी या फिर पूर्णतः अतीत में निहित होगी। मेरा ब्रह्मांडीय अवरोधन में दृढ़ विश्वास है, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी के किप थॉर्न और जॉन प्रेस्किल से ये शर्त लगा ली कि ये सदैव प्रभावी रहेगा। मैं एक तकनीकी कारणवश शर्त हार गया, क्योंकि उदाहरण उस सिंगुलैरिटी जो दूर से दृष्टिगोचर थी से जुड़े समाधानों से लिए गए थे, अतः मुझे हर्जाना भरना पड़ा, जिसका शर्त के प्रतिबंधों के अनुसार अर्थ ये था कि मुझे उनकी अनावृतता को ढकना था। परंतु मैं एक नैतिक विजय का दावा अवश्य कर सकता हूँ, अनावृत सिंगुलैरिटी अस्थाई थे। छोटी से छोटी बाधा भी उन्हें या तो अंतर ध्यान कर सकती थी या फिर घटना क्षितिज के पीछे छुपा सकती थी, इसलिए वास्तविक स्थितियों में वे घटित नहीं होते। घटना क्षितिज दिक्काल क्षेत्र की
परिसीमा है, जहां से बाहर निकलना संभव नहीं है, और ये कृष्ण विवर के चारों ओर एक प्रकार से एक मार्गी झिल्ली की भांति कार्य करता है। बेखबर अंतरिक्ष यात्रियों की भांति वस्तुएं और पिंड घटना क्षितिज से होकर कृष्ण विवर में गिर सकते हैं, परंतु घटना क्षितिज से होकर कोई भी वस्तु कृष्ण विवर से बाहर नहीं आ सकती। कवि दांते ने जो कुछ नरक में प्रवेश के संबंध में कहा था, वही इस घटना क्षितिज के संबंध में भी कहा जा सकता है। परित्याग कर दो समस्त आशाओं का, तुम जो यहाँ प्रवेश करने वाले हो, कोई भी वस्तु अथवा कोई भी व्यक्ति जो घटना क्षितिज से होकर गिरेगा, शीघ्र ही अनंत घनत्व तथा काल की समाप्ति के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। सामान्य अपेक्षिकता का सिद्धांत ये पूर्वानुमान लगाता है कि गतिशील भारी पिंड गुरुत्वीय तरंगों के रूप में आकाश की वक्रता में प्रकाश के वेग से चलने वाली उर्मिकाओं के उत्सर्जन को प्रेरित करेंगे। ये प्रकाश तरंगों के समान ही होती हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की उर्मिकाएं हैं, परंतु इनका पता लगाना कठिन होता है। इनका प्रेक्षण उस पृथक्करण जिसे वे आसपास के स्वतंत्र रूप से गतिशील पिंडों के बीच उत्पन्न करते हैं में थोड़े से परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में बहुत सारे ऐसे संसूचक बनाए जा रहे हैं जो एक के बाद 21 शून्य के एक हिस्से का या परमाणु के नाभिक से भी छोटे अंश के विस्थापन का अनुमापन कर सकेंगे। प्रकाश के समान ही गुरुत्वीय तरंगे ऊर्जा को उन्हें उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं से दूर ले जाती हैं। इसलिए एक ऐसी प्रणाली की अपेक्षा की जा सकती है जिसमें महाकाय स्थूल पिंड अंततः एक स्थिर अवस्था में बने रहेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति की अवस्था में ऊर्जा गुरुत्वीय तरंगों के उत्सर्जन द्वारा ले जाई जाएगी। ये तर्क पानी में डॉट गिराने के समान है। पहले तो ये बहुत डूबती उतराती है, परंतु जैसे ही विक्षोभ से उत्पन्न उर्मिकाएं इसकी ऊर्जा को ले चलती हैं, तो ये अनंततः एक स्थिर अवस्था में आ जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर की कक्षा में पृथ्वी की गति गुरुत्वीय तरंगे पैदा करती है, और इस ऊर्जा हानि का प्रभाव ये होगा कि पृथ्वी का कक्ष बदल जाएगा, जिससे धीरे धीरे ये सूर्य के निकट आती जाएगी और आखिर में इससे टकरा जाएगी और एक स्थिर अवस्था में आ जाएगी। पृथ्वी और सूर्य के मामले में ऊर्जा हानि की दर बहुत कम है, एक छोटा सा बिजली का हीटर जलाने लायक बस। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी सूर्य से टकराए इसमें लगभग एक के बाद 27 शून्य वर्ष लगेंगे। अतः फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन इतना धीमा है कि इसका प्रेक्षण नहीं किया जा सकता, परंतु यही प्रभाव PSR 1913+16 नामक प्रणाली में घटित होते हुए पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है। ये एक विशेष प्रकार का न्यूट्रॉन तारा होता है जो रेडियो तरंगों के नियमित स्पंदों का उत्सर्जन करता है। इस प्रणाली में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए दो न्यूट्रॉन तारे हैं, और गुरुत्वीय तरंगों के उत्सर्जन से हो रही ऊर्जा की हानि उन्हें सर्पिल गति से एक दूसरे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत की इस दृष्टि के लिए J.H. टेलर और R.A. हल्स को सन 1993 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन न्यूट्रॉन तारों को टकराने में लगभग 30 करोड़ वर्ष लगेंगे। टकराने से पहले वे इतनी तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे होंगे कि वे लीगो जैसे संसूचकों के द्वारा संकेत ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वीय तरंगों का उत्सर्जन करेंगे। कृष्ण विवर में परिवर्तित होने के लिए एक तारे के गुरुत्वीय निपात के दौरान गतिविधियां बहुत तेज होंगी, इसलिए ऊर्जा क्षय की दर भी बहुत अधिक होगी। अतः स्थिर अवस्था में आ जाने में इसे बहुत देर नहीं लगेगी। ये अंतिम अवस्था कैसी दिखाई देगी? कोई शायद ये मान सकता है कि जिस तारे से इसका उद्भव हुआ, इसके तमाम जटिल अभिलक्षणों, उसके द्रव्यमान और घूर्ण की दर से लेकर उसके विभिन्न भागों के अलग अलग घनत्व तथा उस तारे के अंदर
चल रही गैसों की जटिल गतिविधियों पर भी ये आश्रित होगा। और यदि कृष्ण विवर भी इतने ही भिन्न हुए जितना कि वे पिंड जिनसे कि उनका निर्माण हुआ, तो कृष्ण विवरों के बारे में कोई भी सामान्य भविष्यवाणी करना शायद बहुत कठिन हो सकता है। बहरहाल सन 1967 में कनाडा के एक वैज्ञानिक वर्नर इजराइल ने कृष्ण विवरों के अध्ययन में एक क्रांति पैदा कर दी। इजराइल ने ये मत प्रस्तुत किया कि सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार अघूर्णनशील कृष्ण विवर बहुत ही सादा होने चाहिए। पूर्णतः गोलाकार केवल द्रव्यमान पर निर्भर आकार और बराबर द्रव्यमान वाले ऐसे कोई से दो कृष्ण विवर बिल्कुल समरूप होने चाहिए। वस्तुतः इन्हें आइंस्टाइन के समीकरणों के एक विशिष्ट समाधान द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि सन 1917 से ज्ञात है तथा जिसकी खोज सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत की खोज के तुरंत बाद कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड द्वारा की गई थी। प्रारंभ में तो स्वयं इजराइल समेत कई लोगों ने ये दलील रखी कि चूंकि कृष्ण विवर को पूर्णतः गोलाकार होना होता है, अतः कृष्ण विवर केवल पूर्ण गोलाकार पिंड के निपात से ही बन सकता है। अतः कोई भी वास्तविक तारा जो कभी भी पूर्णतः गोलाकार नहीं होगा, मात्र एक नग्न सिंगुलैरिटी के निर्माण के लिए ही ध्वस्त हो सकता है। हालांकि इजराइल के निष्कर्ष की एक भिन्न व्याख्या भी थी, जिसका समर्थन विशेष रूप से रोजर पेनरोज और जॉन व्हीलर ने किया था। उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी तारे के निपात में शामिल तीव्र गतिविधियों का अर्थ ये होगा कि इसके द्वारा उत्सर्जित गुरुत्वीय तरंगे इसे और गोलाकार बना देंगी और अपने स्थिर अवस्था में आने तक ये बिल्कुल गोलाकार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी अघूर्णनशील तारा, चाहे इसका आकार तथा आंतरिक संरचना जटिल ही क्यों न हो, अपने गुरुत्वीय निपात के बाद पूर्ण गोलाकार कृष्ण विवर के रूप में समाप्त हो जाएगा। इसका आकार केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और आगे की गणनाओं ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा इसे शीघ्र ही सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। इजराइल के निष्कर्ष केवल अघूर्णनशील पिंडों से निर्मित कृष्ण विवरों के मामले से ही संबंधित थे। सन 1963 में न्यूजीलैंड के एक शोधकर्ता रॉय केर ने सामान्य आपेक्षिता सिद्धांत के उन समीकरणों के समाधानों का एक समुच्चय खोज लिया जिन्होंने घूर्णन करने वाले कृष्ण विवरों की व्याख्या की थी। ये केर कृष्ण विवर एक नियत गति पर घूर्णन करते हैं। उनका आकार व रूप केवल उनके द्रव्यमान व घूर्णन की दर पर निर्भर करता है। यदि घूर्णन शून्य है तो कृष्ण विवर पूर्णतः गोल होता है, और समाधान श्वार्ज़चाइल्ड के समाधान के अनुरूप है। यदि घूर्णन शून्यतर है तो कृष्ण विवर में उसकी मध्य रेखा के निकट बाहर की ओर उभार पैदा हो जाता है, और जितनी अधिक तीव्रता से यह घूर्णन करता है उतना ही अधिक उभार उसमें उत्पन्न हो जाता है। अतः इजराइल के परिणाम को घूर्णनशील पिंडों पर भी लागू करने के लिए ये अनुमान लगाया गया कि कोई भी घूर्णन करने वाला पिंड जो ध्वस्त होकर कृष्ण विवर में परिवर्तित हो गया हो, अंततः केर समाधान द्वारा विवेचित स्थिर अवस्था में आ जाएगा। सन 1970 में कैम्ब्रिज में मेरे सहकर्मी तथा मेरे शोध छात्र ब्रेडन कार्टर ने इस अनुमान को सिद्ध करने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्होंने ये बताया कि किसी स्थिर घूर्णनशील कृष्ण विवर का आकार एक स्वरूप केवल उसी दशा में ही उसके द्रव्यमान और घूर्णन दर पर निर्भर करेगा, जब किसी प्रचकरमान लट्टू की तरह इसका भी कोई सममिति अक्ष हो। फिर सन 1971 में मैंने ये सिद्ध किया कि किसी स्थिर घूर्णन करने वाले कृष्ण विवर का वास्तव में ऐसा एक सममिति अक्ष होगा। अंततः सन 1973 में किंग्स कॉलेज लंदन के डेविड रॉबिन्सन ने कार्टर के द्वारा मेरे निष्कर्षों का ये सिद्ध करने के लिए उपयोग किया कि वह अनुमान ठीक था। ऐसे कृष्ण विवर के वास्तव में केर समाधान के अनुसार ही होना था। अतः गुरुत्वीय निपात के बाद किसी कृष्ण विवर को निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए जिसमें ये घूर्णनशील तो हो सकता है परंतु स्पंदन मान नहीं।
इसके अतिरिक्त इसका आकार व रूप केवल उसके द्रव्यमान और घूर्णन दर पर निर्भर करेगा, ना कि उस पिंड की प्रकृति पर जो इसका निर्माण करने के लिए ध्वस्त हुआ। ये परिणाम इस सूक्ति के रूप में विख्यात हुआ, कृष्ण विवर केशहीन होता है। ये केशहीनता प्रमेय बड़े व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि ये कृष्ण विवरों की संभावित किस्मों को दृढ़ता से सीमित कर देता है। अतः कोई भी उन पिंडों के विस्तृत ब्योरेवार मॉडल बना सकता है जिनके कृष्ण विवर बन जाने की संभावना हो, तथा उन मॉडलों से संबंधित पूर्वानुमानों की वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना कर सकता है। इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि ध्वस्त होने वाले उस पिंड से संबंधित सूचनाएं बहुत बड़ी मात्रा में उसी समय समाप्त हो जानी चाहिए जब कृष्ण विवर निर्मित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उस पिंड के बारे में जो कुछ भी हम संभावित रूप से माप सकते हैं वह इसका द्रव्यमान तथा घूर्णन दर ही है। इसके महत्व पर अगले अध्याय में विचार किया जाएगा। विज्ञान के इतिहास में कृष्ण विवर उन बहुत ही थोड़े से प्रकरणों में से एक है जिनमें प्रेक्षणों से ये प्रमाण मिलने से पूर्व ही ये सही है एक गणितीय मॉडल के रूप में गहन विस्तार के साथ एक सिद्धांत विकसित कर लिया गया। वास्तव में कृष्ण विवरों के विरोधियों का यही मुख्य तर्क हुआ करता था, कोई भी उन पिंडों में कैसे विश्वास कर सकता था जिनके अस्तित्व का एकमात्र परमाणु सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत के संदिग्ध सिद्धांत पर आधारित गणनाएं थी। सन 1963 में जो भी हो, कैलिफोर्निया में पालोमर वेदशाला में शोधरत एक खगोलविद मार्टिन शिम्ट ने 3C273 नामक रेडियो तरंगों के स्रोत की दिशा में एक धुंधले तारे जैसे पिंड के अभिरक्त विस्थापन का अनुमापन किया। उन्होंने ये पाया कि ये विस्थापन इतना विस्तृत था कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र से नहीं बन सकता था। यदि ये गुरुत्वीय अभिरक्त विस्थापन होता तो वह पिंड इतना महाकाय व स्थूल होता तथा हमारे इतना निकट होता कि ये सौर मंडल में ग्रहों की कक्षाओं की स्थिरता को भंग कर देता। इससे ये सम्मति बनी कि अभिरक्त विस्थापन इसके बजाय ब्रह्मांड के विस्तार से प्रेरित था, जिनका पुनः ये अर्थ हुआ कि वह पिंड अत्यधिक दूरी पर था, और इतनी अधिक दूरी पर भी इस पिंड का दिखाई पड़ना आश्चर्यजनक था। वह निश्चित रूप से बहुत चमकदार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे निश्चित रूप से ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उत्सर्जित करनी चाहिए। एकमात्र प्रक्रिया जिसके बारे में लोग ये सोच सकते हैं कि वह इतने विशाल परिमाण में ऊर्जा उत्पन्न कर सकेगी, केवल किसी एक तारे का ही गुरुत्वीय निपात प्रतीत नहीं होती, बल्कि वह किसी मंदाकिनी के संपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र का निपात प्रतीत होती है। इसी तरह के दूसरे कई तारे अर्ध तार के पिंड या क्वासर खोजे जा चुके हैं। सभी के अभिरिक्त विस्थापन विस्तृत थे, परंतु वे सभी बेहद दूर हैं, और इसलिए कृष्ण विवरों के बारे में कोई निर्णायक प्रमाण जुटाने हेतु इनका प्रेक्षण करना बहुत कठिन है। कृष्ण विवरों के अस्तित्व के लिए और अधिक प्रोत्साहन सन 1967 में कैम्ब्रिज की एक शोध छात्रा जॉसलिन बेल बर्नेल की आकाश में उन पिंडों की खोज के साथ आया जो रेडियो तरंगों के नियमित स्पंदों का उत्सर्जन कर रहे थे। पहले तो बेल और उनके गुरु एंटोनी ह्यूइश ये समझते कि शायद उन्होंने मंदाकिनी में किसी अन्य ग्रह की सभ्यता से संपर्क बना लिया है। वास्तव में उस गोष्ठी में जिसमें उन्होंने अपनी खोज की घोषणा की थी, मुझे याद है उन्होंने पाए जाने वाले प्रथम चार स्रोतों को कहा था कि अंत में वे और हर कोई इस अपेक्षाकृत कम रोमांचकारी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पिंड जिन्हें स्पंदनशील तारे नाम दिया गया था वास्तव में घूर्णी न्यूट्रॉन तारे थे जो अपने चुंबकीय क्षेत्रों तथा अपने चारों ओर के पदार्थ के मध्य एक जटिल अन्योन क्रिया के कारण रेडियो तरंगों के स्पंदों का उत्सर्जन कर रहे थे। अंतरिक्षीय पट कथाओं के लेखकों के लिए ये एक बुरी खबर थी, परंतु हम जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो इस समय कृष्ण विवरों के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये समाचार आशाओं से भरा हुआ था। ये इस बात का प्रथम ठोस प्रमाण था कि न्यूट्रॉन तारों का अस्तित्व होता है।
एक न्यूट्रॉन तारे की त्रिज्या लगभग 10 मील होती है। उस क्रांतिक त्रिज्या के मात्र कुछ गुना बड़ी जिस पर कोई तारा एक कृष्ण विवर बन जाता है। यदि कोई तारा ध्वस्त होकर इतना छोटा आकार ग्रहण कर सकता है तो ये अपेक्षा करना भी पूर्णतः तर्कसंगत है कि अन्य तारे ध्वस्त होकर भी छोटे आकार के हो सकते हैं तथा कृष्ण विवर बन सकते हैं। कृष्ण विवर का पता लगाने की आशा हम कर भी कैसे सकते थे, जबकि अपनी परिभाषा के अनुसार ही ये कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ये तो शायद काजल की कोठरी में काली बिल्ली को ढूंढने जैसा होगा। सौभाग्यवश एक तरीका है, जैसा कि जॉन मिशेल ने सन 1783 में अपने अग्रणी लेख में स्पष्ट किया था कि कृष्ण विवर अपने आसपास के पिंडों पर अपने गुरुत्व बल का प्रभाव डालता है। खगोलविदों ने ऐसी कई प्रणालियों का प्रेक्षण किया है जिनमें दो तारे एक दूसरे की ओर गुरुत्व बल से आकृष्ट होकर एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने ऐसी प्रणालियों का भी प्रेक्षण किया है जिनमें दृश्य तारा केवल एक ही है जो किसी उद्देश्य साथी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। निसंदेह कोई भी तत्काल ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि वह अदृश्य साथी का एक कृष्ण विवर ही है। ये मात्र इतना धुंधला तारा भी हो सकता है जिसे देखा ना जा सकता हो। बहरहाल सिग्नस X1 नामक तारक योजना के समान ही कुछ अन्य प्रणालियां भी एक्स किरणों के प्रबल स्रोत हैं। चित्र 6.2 इस अद्भुत घटना की सर्वोत्तम व्याख्या ये है कि कृष्ण विवर इस दृश्य तारे की गैसीय दृश्य राशि को उसके पृष्ठ तल से अपने में खींचता रहेगा। जैसे ही ये द्रव्य राशि अत्यधिक त्वरण के साथ उस अदृश्य साथी की ओर गिरती है, वह एक सर्पिल गति विकसित कर लेती है और बहुत गर्म होकर एक्स किरणों का उत्सर्जन करने लगती है। चित्र 6.3 ये प्रक्रिया इसी तरह काम करे इसके लिए उस पिंड को अदृश्य बहुत छोटा होना चाहिए, श्वेत वामन न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण विवर के समान। उस दृश्य तारे के प्रेक्षित कक्षा पथ से उस अदृश्य पिंड के निम्नतम संभावित द्रव्यमान को सुनिश्चित किया जा सकता है। सिग्नस X1 के मामले में इसका द्रव्यमान 6 सूर्यों के बराबर है और चंद्रशेखर के निष्कर्ष के अनुसार इतना अधिक बड़ा है कि ये अदृश्य पिंड कोई श्वेत वामन नहीं हो सकता। इसका द्रव्यमान इतनी अधिक मात्रा में है कि ये एक न्यूट्रॉन तारा भी हो सकता है। अतः ये प्रतीत होता है कि ये निश्चित रूप से एक कृष्ण विवर ही होना चाहिए। सिग्नस X1 की पहेली को सुलझाने के लिए ऐसे दूसरे मॉडल भी हैं जिनमें कृष्ण विवर सम्मिलित नहीं है, परंतु वे सभी काफी क्लिष्ट कल्पित हैं। केवल कृष्ण विवर ही सारे प्रेक्षणों का वास्तव में एकमात्र स्वाभाविक स्पष्टीकरण लगता है। इसके बावजूद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के किप थोर्न के साथ मेरी एक शर्त लगी थी कि सिग्नस X1 में वस्तुतः कोई कृष्ण विवर नहीं है। ये मेरे लिए एक प्रकार की बीमा पॉलिसी है। मैंने कृष्ण विवरों पर बहुत शोध किया है और ये सब व्यर्थ चला जाएगा यदि निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण विवरों का अस्तित्व नहीं है। परंतु उस स्थिति में मुझे अपनी शर्त जीतने का संतोष होगा, जिससे मुझे 4 वर्ष तक प्राइवेट आई पत्रिका प्राप्त होती रहेगी। हालांकि सन 1975 से जब हमने ये शर्त लगाई थी, अब तक सिग्नस X1 की स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि कृष्ण विवरों के पक्ष में अब इतने अधिक अन्य प्रेक्षणात्मक प्रमाण उपलब्ध हैं कि मैंने अपनी शर्त हारी हुई मान ली। मैंने शर्त में तय जुर्माना अदा कर दिया जो पेंट हाउस पत्रिका का 1 वर्ष का चंदा था। फिर भले ही किप की गर्मा मिजाज पत्नी ने इस अश्लील पत्रिका को मंगाने पर उसे लताड़ा हो। चित्र 6.2 उक्त चित्र के केंद्र के निकट दोनों तारों में अधिक चमकदार तारा सिग्नस X1 है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए एक कृष्ण विवर व एक सामान्य तारे का बना है। हमारी आकाशगंगा में सिग्नस X1 के समान तारक योजनाओं में तथा मेजलानी मेघ कही जाने वाली पासी की दो मंदाकिनियों में अब
हमारे पास भी कई दूसरे कृष्ण विवरों के प्रमाण हैं। बहरहाल कृष्ण विवरों की संख्या काफी अधिक हो गई है। ब्रह्मांड के लंबे इतिहास में कई तारों ने निश्चित रूप से अपना समस्त नाभिकीय ईंधन जला डाला होगा और उन्हें ध्वस्त होना पड़ा होगा। कृष्ण विवरों की संख्या दृश्य तारों की संख्या की अपेक्षा काफी अधिक भी हो सकती है, जिनकी कुल संख्या अकेले हमारी अपनी आकाशगंगा में ही लगभग 1 अरब है। इतनी बड़ी संख्या में कृष्ण विवरों का अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण ये स्पष्ट कर सकता है कि हमारी आकाशगंगा अपनी इस गति पर क्यों घूर्णन करती है। दृश्य तारों की द्रव्य राशि इसी स्पष्ट व्याख्या करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे पास इस तथ्य के भी कुछ प्रमाण हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ही हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक द्रव्य राशि वाला एक बहुत विशाल कृष्ण विवर है। मंदाकिनी में मौजूद जो भी तारे इस कृष्ण विवर के अत्यंत निकट आ जाएंगे, वे अपने निकट तथा दूर के अंशों के मध्य गुरुत्व बल में अंतर के कारण खंड खंड हो जाएंगे। उनके अवशेष और दूसरे तारों से खींची गई गैसीय द्रव्य राशि कृष्ण विवर में गिर जाएगी। सिग्नस X1 की तरह यहाँ भी गैसीय द्रव्य राशि सर्पिल गति से गिरती जाएगी और गर्म हो जाएगी, हालांकि इतनी अधिक नहीं जितनी कि सिग्नस X1 के मामले में। ये पर्याप्त रूप में इतनी गर्म नहीं हो पाएगी एक्स किरणों का उत्सर्जन कर सके, परंतु ये रेडियो तरंगों तथा अवरक्त किरणों के उस बहुत ठोस स्रोत का कारण स्पष्ट कर सकती है जिसका प्रेक्षण आकाशगंगा के केंद्र में किया गया है। ये समझा जाता है कि इसी के सदृश बल्कि सूर्य की द्रव्य राशि से लगभग 10 करोड़ गुना अधिक द्रव्य राशि वाले और भी विशाल कृष्ण विवर क्वासारों केंद्र में मिलते हैं। M87 नामक मंदाकिनी के हब्बल दूरदर्शी से किए गए प्रेक्षण यह रहस्योद्घाटन करते हैं कि ये सूर्य से 2 अरब गुना अधिक द्रव्य राशि वाले केंद्रीय पिंड के चारों ओर घूमती हुई 130 प्रकाश वर्ष व्यास की एक गैस चक्री का धारण किए हुए है। ये केवल एक कृष्ण विवर ही हो सकता है। ऐसे परम स्थूल काय कृष्ण विवरों में गिरने वाली द्रव्य राशि ही उस शक्ति स्रोत का मुख्य आधार होगी जो इन पिंडों द्वारा उत्सर्जित की जा रही ऊर्जा की विशाल मात्रा को स्पष्ट करने के लिए यथेष्ट रूप से बड़ा है। जैसे ही द्रव्य राशि कृष्ण विवर में गिरेगी, ये कृष्ण विवर को भी उसी दिशा में घुमा देगी और इस प्रकार से कुछ कुछ पृथ्वी के समान ही चुंबकीय क्षेत्र विकसित करेगी। इस गिरती हुई द्रव्य राशि द्वारा कृष्ण विवर के निकट बहुत ही उच्च ऊर्जा युक्त कण पैदा हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक प्रबल होगा कि ये इन कणों को कृष्ण विवर के घूर्णन के अक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक पार्श्व में अर्थात इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की दिशा में बाहर की ओर तेज धार के रूप में उत्क्षिप्त करने के लिए उनको संकेंद्रित कर सकता है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की दिशा में उच्च ऊर्जा युक्त इन कणों की तेज धारों का वास्तव में बहुत सारे क्वासार और मंदाकिनियों में प्रेक्षण किया गया है। इस संभावना पर भी विचार किया जा सकता है कि शायद सूर्य की द्रव्य राशि से भी काफी कम द्रव्य राशि वाले कृष्ण विवर हो सकते हैं। ऐसे कृष्ण विवर गुरुत्वीय निपात के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, क्योंकि उनके द्रव्यमान चंद्रशेखर द्रव्यमान क्रांतिक सीमा से कम है। इतनी कम द्रव्य राशि वाले तारे गुरुत्व बल के विरुद्ध उस समय भी अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं जबकि उन्होंने अपना नाभिकीय ईंधन समाप्त कर दिया हो। कम द्रव्यमान वाले कृष्ण विवर केवल उसी दशा में बन सकते हैं जब पदार्थ बहुत बड़े बाह्य दाब से वृद्ध घनत्व की सीमा तक संपीड़ित हो जाए। ऐसी स्थितियां एक बहुत बड़े हाइड्रोजन बम से घटित हो सकती हैं। एक भौतिकी विद जॉन व्हीलर ने एक बार ये गणना की थी कि यदि कोई संसार के सारे महासागरों में से सारा भारी जल निकाल ले तो वह एक ऐसा हाइड्रोजन बम बना सकता है जो अपने केंद्र में पदार्थ को इतना अधिक संपीड़ित कर दे कि वह कृष्ण विवर बन जाए। एक और व्यावहारिक संभावना ये है कि इतनी कम द्रव्य राशि वाले
कृष्ण विवर शायद बहुत ही प्रारंभिक ब्रह्मांड के उच्च ताप एवं दाब में ही बने होंगे। कृष्ण विवर केवल उसी दशा में निर्मित होते जब प्रारंभिक ब्रह्मांड पूर्णतः मसृण एवं समरूप नहीं होता, क्योंकि औसत की अपेक्षा अधिक घनत्व का केवल एक छोटा सा क्षेत्र ही एक कृष्ण विवर का निर्माण करने के लिए इस प्रकार से संपीड़ित हो सकता था। परंतु हम ये जानते हैं कि कुछ अनियमितताएं अवश्य ही रही होंगी, नहीं तो ब्रह्मांड में इस समय समस्त पदार्थ तारों तथा मंदाकिनियों में जमा होने की बजाय पूर्ण समान रूप से वितरित होता। तारों और मंदाकिनियों के निर्माण के रहस्य को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक अनियमितताओं ने क्या आद्य कृष्ण विवरों की महत्वपूर्ण संख्या के निर्माण में योगदान दिया? ये स्पष्ट रूप से प्रारंभिक ब्रह्मांड में व्याप्त अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए यदि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ब्रह्मांड में अब कितने आद्य कृष्ण विवर हैं, तो हम ब्रह्मांड की बहुत प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। 1 अरब टन से अधिक द्रव्य राशि वाले आद्य कृष्ण विवर का पता तभी लगाया जा सकेगा जब ब्रह्मांड के विस्तार पर या दृश्य पदार्थ या किसी अन्य वस्तु पर उसका गुरुत्वीय प्रभाव मापा जाए। बहरहाल, जैसा कि हम अगले अध्याय में जानेंगे, कृष्ण विवर ये सब होने के बावजूद वास्तव में काला नहीं है। वे एक तप्त पिंड के समान दमकते हैं और वे जितने अधिक छोटे होते हैं उतने ही ज्यादा दमकते हैं। अतः विरोधा स्वरूप बड़े कृष्ण विवरों की अपेक्षा छोटे कृष्ण विवरों का पता लगाना वास्तव में अधिक आसान होगा।